हेलो चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स आल्सो, ये जो एक्सरसाइज आज हम बच्चों को दे रहे हैं ये टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी अल्फाबेट है। आपका बच्चा जो है वो हिंदी अल्फाबेट अब अच्छे से पढ़ लेता है, बुक में बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है, देख लेता है, क्रम से पढ़ लेते हैं, क ख ग घ छ छ ज झ, पर उतना पर्याप्त नहीं है, दैट इज नॉट सफिशियंट। तो वी नीड टू मेक द चाइल्ड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द लेटर सेपरेटली। तो यहाँ पर मैं वीडियो पर लेटर्स दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को सामने रखिए, मोबाइल को सामने रखिए और देखिए बच्चा कौन कौन से अल्फाबेट का नाम बता पाता है। जिनका नहीं बता पाता है उन अल्फाबेट को आप बार बार बच्चे से पढ़वाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एक करके आप दिखाते जाइए बच्चे को, बच्चा उसके नाम, तो बच्चे को बोलिए कि अल्फाबेट का जो आने वाले हैं स्क्रीन पर उनके नाम वो बताता जाए। मैं सामने दिखाता जा रहा हूँ, आई विल गिव द टाइम टू डू दैट, है ना। कई सारे रिपीटेशन में भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे को बताने बस दीजिए फटाफट, है ना। चलिए देखिए द फर्स्ट अल्फाबेट, है ना, आप सिर्फ नाम पूछते जाएंगे बच्चे से कि ये कौन सा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है बच्चा, आप फटाफट आपको बताता जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट, पहचान रहे ना। देखिए आपको बच्चे से अल्फाबेट का नाम पूछना है, जो अल्फाबेट सामने आता है जाएगा उसका नाम बस पूछ ले जाएंगे बच्चे से। और पेरेंट्स ध्यान देते जाइए, जो अल्फाबेट बच्चा नहीं पहचान पा रहा है वो आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे उससे। आप साथ साथ कलर से पूछ सकते हैं किस कलर का है, जैसे ब्लैक कलर है तो पूछे कलर कौन सा है, ब्लैक है ना, ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर में है ना, तो आप अल्फाबेट का नाम भी पूछिए और किस कलर में है वो ये भी पूछिए। जैसे ये ग्रीन कलर में है तो कलर भी पूछने चाहिए, कलर आइडेंटिफिकेशन भी होता जाएगा। अगेन ब्लैक, अल्फाबेट का नाम पूछना है बच्चे से।
name the alphabet and the color also. नाम पूछे अल्फाबेट का एंड कलर. और देखिए बच्चा कितने नहीं बता पा रहा है, वो जो अल्फाबेट को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इनकी प्रैक्टिस घर पे फिर बार बार करवाइए ताकि वो बराबर उनको पहचान पाए. क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे को इन सारे वर्ड्स को, अल्फाबेट को, वर्णमाला के शब्दों को जोड़कर पढ़ेगा वो, जैसे घर घर चल चल. अब यदि उसको पहचानते नहीं बन रहे हैं तो वो उनको नहीं जोड़ पाएगा और नहीं पढ़ पाएगा. इसलिए बच्चे का इन शब्दों को पहचानना बहुत जरूरी है. दिन में रोज एक बार ये वीडियो दिखाइए और उससे बोलिए कि पहचानते चलो, लगातार चलने दीजिए 5-10 मिनट ये वीडियो, ताकि वो रेगुलर इन वर्ड्स को देखे, अल्फाबेट को देखे और पहचाने. Like this one. Okay, thank you.